नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे हॅलो मुंबईच्या ब्रँड न्यू एपिसोड मध्ये. तुम्हाला आता वाटत असेल की मी कुठेतरी जंगलात आहे, पण हे जंगलच आहे, पण हे मुंबईतलं जंगल आहे. आणि हे बनवलेलं आहे ग्रीन यात्रा या एनजीओने, पण ह्यांची पद्धत वेगळी आहे. ह्यांनी वापरलं आहे मियावाकी पद्धत. आणि मियावाकी पद्धत नेमकी काय आहे आणि या पद्धतीने ह्यांनी जोगेश्वरी ईस्ट येथे, जिथे काहीच नव्हतं, एक डेब्रीज होते, इथे फक्त अशी माती होती, ती माती काढून इथे जंगल कसं केलं पाहूया. हॅलो मुंबई, मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है. मैं ग्रीन यात्रा एनजीओ का फाउंडर हूँ और हम एक एनवायरमेंट एनजीओ है, मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम पैन इंडिया काम करते हैं. एंड हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं. जिस तरह जितने भी शहर हैं, जैसे मुंबई है, पुणे है, दिल्ली एनसीआर है, बेंगलुरु, सो हमारा टारगेट है कि विद इन द सिटी और लगभग 100 या 200 किलोमीटर तक का जो पूरा रेडियस है उसमें हम एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर सकें, ताकि इसकी वजह से हम जो एयर पॉल्यूशन है जो हमारे शहर पैदा कर रहे हैं उसको हम कर सकें, और जो वाटर प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर सकें. रीजन क्या था इस टाइप के प्लांटेशन का करने का, क्योंकि हर मेट्रो सिटी, स्पेशली मुंबई की बात करें, तो जगह का प्रॉब्लम बहुत है. हमें झाड़ लगाने की जगह नहीं मिलती थी. ये एक ऐसा यूनिक मेथड है. यदि आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ कि यदि एक एकड़ ज़मीन है तो उसमें हम कन्वेंशनल प्लांटेशन में सिर्फ हम मैक्सिमम 600-800 या 1000 प्लांट लगा सकते हैं, बट इस प्लांटेशन मेथड में हम एक एकड़ में 12000 पेड़ लगा सकते हैं, और 2 साल के अंदर 2 फीट का सैपलिंग एटलीस्ट 20 से 25 फीट का हो जाता है. और इसमें यह है कि इट्स नॉट जस्ट ग्रीन बेल्ट क्रिएटिंग, हम इसमें बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो पेड़ लगाते हैं उसमें लगभग मिनिमम 20 स्पीसीज का इस्तेमाल, नेटिव स्पीसीज का हम इस्तेमाल करते हैं. लोगों में बहुत सवाल है कि मेथड है क्या जिसमें 2 फीट का पौधा 2 साल के अंदर 20 से 25 फीट का जाता है. तो मैं एक मेथडोलॉजी शेयर करना चाहूँगा इसकी. इट इज़ अ वेरी बेसिक नॉर्मल प्लांटेशन जैसा दिखता है, बट इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड एक्सपर्टीज वाला मेथड है, जिसमें फर्स्ट हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं. सॉइल टेस्टिंग के बाद हमें न्यूट्रिएंट्स पता चलते हैं. देन हम मिट्टी किस टाइप की है, सैंडी है, सिल्टी है या लोम है, डिपेंड ऑन, सो उसको हम चेक करते हैं. एंड अकॉर्डिंगली हम बायोमास क्रिएट करते हैं. बायोमास इज लाइक वाटर रिटेनर, परफोरेटर, फर्टिलाइजर्स, जीवामृत, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं और उस मिट्टी को वापस रिफिल कर देते हैं. और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जवाब दिया कि हम लेयर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बट ये साइट हमारे लिए आई थिंक की सबसे टफेस्ट साइट है. एंड एज मच एज आई नो कि पूरी दुनिया में जितने 3000-4000 के आसपास जो मियावाकी फॉरेस्ट हुए हैं उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट वन में है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे किया था तो डेबरी चारों तरफ डेबरी थी. हमें यहाँ पे 6 फीट खोदने के बाद जाके मिट्टी मिली. हमने पूरा उस मिट्टी को यहाँ पे वापस भरा, डेबरी हटाया. इसी तरह जो हमने दूसरे पैच किए हैं वहाँ पे हमें 10 फीट जमीन के ऊपर डेबरी थी, उसे हमने ये किया. एंड इट वाज रियली वन ऑफ द टफेस्ट. हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था. वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट अच्छा होगा, बट इतना अच्छा होगा ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था. बट आई थिंक ये हमने पूरे डेडिकेशन और शिद्दत के साथ ये काम किया. तो जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत इस तरह से सामने रिजल्ट आ रहा है, तो एक बहुत खुशी होती है और साथ में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब हम इतनी ख़राब साइट पे इतना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो नॉर्मल जो लैंड होगी वहाँ पे हमारा रिजल्ट आई थिंक इससे भी बेटर होगा. सो ये एक बहुत ही टफ प्रोजेक्ट था हमारे लिए. एंड अभी तक तो हम इसे देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ अच्छी है. जो हमने पूरे साल एक साल में एक्सपेक्ट करी थी वो हमें 6-7 महीने में ग्रोथ हमने अचीव करी है. एंड होपिंग कि ये वन ऑफ द बेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट होगा. और ये मुंबई का पहला फॉरेस्ट है. ये भी एक पायनियर होना, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था. एंड वी आर हैप्पी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ पहली स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इस मेथड को अडॉप्ट किया है, अप्रूव किया है. आप अंदर आ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो रहा है जंगल. आप देख रहे हैं, यदि आप चाहें तो नीचे शूट कर सकते हैं. यहाँ पे जो डेड लीव्स हैं वो जा रही हैं और एक पूरा टॉप सॉइल अलग टाइप से बन रहा है मल्चिंग के बाद. आप देखिए जितने भी हम यहाँ से लीव्स हैं, चाहे आपटा का लीव्स हो या सागौन का लीव्स है. अभी मैं कदम के नीचे खड़ा हुआ हूँ और ये सिर्फ 7 से 8 महीने पुराना पेड़ है, जो 2 फीट का था अभी ऑलमोस्ट 10-15 फीट का हो चुका है. सो इसमें हमने ये सब सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और एक यूनिक मेथड है. इसमें जो ग्रोथ है वो 10 times देन द नॉर्मल प्लांटेशन होता है. और इसमें जो ऑक्सीजन है वो 30 times मोर ऑक्सीजन, 30 times मोर नॉइस एंड डस्ट रिडक्शन होता है, 30 times ज़्यादा जो नॉइस एयर पोल्यूशन कम होता है. फिर इसमें जो कार्बन सिक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, दे वर्क लाइक अ कार्बन सिंक.
कि जहाँ जिस एरिया में होते हैं वहाँ का कार्बन जो सिंक है, जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है उसे बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. सो दैट इज हाउ वी गेट द 100 ईयर ओल्ड फॉरेस्ट इन जस्ट 10 ईयर. यानी 100 साल का जंगल हमें 10 साल में मिलता है और एक डेंस घना जंगल मिलता है. एक स्क्वायर मीटर में हम 3 से 5 पेड़ लगाते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग 3 पेड़ लगाते हैं. और आप देख सकते हैं कि हम ये सिर्फ 8 महीने का जंगल है, ये आप बोले 7.5-8 महीने इसकी एज है एंड एकदम डेंस है. आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज हैं और इसमें आफ्टर 2 ईयर इट्स मेंटेनेंस फ्री. इसमें मेंटेनेंस की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. 2 साल तक हम प्रॉपर केयर करते हैं, हम इसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, टाइम टाइम पे इसको पानी डालना, एंड आफ्टर 2 ईयर ए सेट ये मेंटेनेंस फ्री हो जाता है एंड सेल्फ सस्टेनेबल होता है. इट्स लाइक अ नॉर्मल रेन फॉरेस्ट का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है. इसमें हम श्रब लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे पहला लेयर होगा जो श्रब लेयर होगा जो 10-12 फीट तक जाता है. उसके बाद है सब ट्री लेयर जो अप टू 30-40 फीट तक जाते हैं पेड़. फिर है ट्री लेयर जो लगभग 60-70 फीट तक जा सकते हैं, 50 फीट तक जाते हैं, एंड उसके बाद कैनोपी मोर देन दैट. तो एक लेयर में होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. तो दैट इज़ अ ब्यूटी कि आप देख सकते हैं कि अपने आप में सारा एक कोएग्जिस्टेंस है. यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे मैंने बोला, बटरफ्लाइज, एशिपिरिनिया ने अभी यहाँ घोंसला रखा हुआ था और अपनी अभी बच्चे, उसके 2-3 बच्चे थे अभी वो लेके गई यहाँ से. काफ़ी सारे कीटाणु जीव जंतु हमें यहाँ पे आके दिखते हैं जो जनरली कन्वेंशनल प्लांटेशन में नहीं दिखते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी. आप यदि और अंदर आना चाहें तो आपको लगेगा इन द मुंबई में है और यहाँ पे विद इन आप देख रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6-7 महीने का ही, 7 महीने के पेड़ हैं ये. आपको छः आना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कई सारे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बबलवीज हैं, आना शुरू हो गए हैं, स्नैक्स भी आने चालू हो गए हैं. बिकॉज इट्स लाइक आप देख सकते हैं जंगल है, हम कोशिश करें, डेफिनेटली ये अर्बन फॉरेस्ट है तो हम यहाँ पे कोई जंगली जानवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विद इन द सिटी. पर जो छोटे मोटे जैसे गिलहरी हो गई, जो जिनके लिए एक हैबिटेट चाहिए, जो विद इन द सिटी रहने वाले छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे आप मुंबई में. जैसे जो ग्रीन कवर है कम हो रहा है, डिफरेंट यू नो डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट आ रहे हैं. यदि मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं तो मुंबई में ऑफिशियली 5 लोगों के बीच एक पेड़ है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हिसाब से 7 लोगों के बीच एक पर हेड 7 ट्रीज होने चाहिए, यानी 1:7. और यहाँ पे क्या है, 5 लोगों के बीच एक पेड़ है. सो उस नंबर को हम बढ़ाना चाहते हैं, ग्रीन कवर बढ़ाना चाहते हैं. टाइम टाइम पे हम देख रहे हैं कि मुंबई की इतनी पॉल्यूटेड एयर है कि जगह जगह पे हमें इशूज आ रहे हैं. यदि हम एक स्टडी की बात करें तो 2015 में IIT बॉम्बे ने एक स्टडी किया था जिसमें लगभग मुंबई दिल्ली में मिला के 35,000 लोगों की डेथ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड कॉज से हुई थी और 70,000 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ था. तो हमारा ये है कि एटलीस्ट हम 1:1 रेशियो लेके आए जो मुंबई में पॉपुलेशन, और मुंबई में जगह भी नहीं है इतनी. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि आप कम जगह में कम टाइम में एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर सकें, ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 1:1 रेशियो लाना चाहते हैं. एटलीस्ट मुंबई की पॉपुलेशन यदि 1.5 करोड़ है, सो हम 1.5 करोड़ पेड़ लगाएं. बट डेफिनेटली जितनी लैंड है हमारे पास उतने में पॉसिबल नहीं है, बट इस मेथड से कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है एंड वी आर होपफुल. जैसे BMC भी लगभग काफ़ी सारे फॉरेस्ट क्रिएट कर रही है, हमें भी आसपास जगहें मिल रही हैं, हम नवी मुंबई में कर रहे हैं. तो कोशिश यही है कि एक जो बैलेंस है जो जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. सो वी आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड NGO. सो वी वर्क ऑन द सोल्यूशन कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. सो यही हमारी कोशिश है कि हम जो मुंबई का पॉल्यूशन लेवल है कम करें और रेशियो एटलीस्ट 1:1 लाने की कोशिश कर रहे हैं. आतापर्यंत ग्रीन यात्रा NGO ने भारतामध्ये सुमारे 5 लाख झाड लावलेली आहेत आणि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस NGO इज की हे शाळा, कॉलेजेस, हाउसिंग सोसायटीज आणि जे सरकारी प्रिमायसेस आहेत त्याच्यामध्ये मियावाकी पद्धतीने मोफत झाडं लावून देतात. सो तुम्हालाही जर या NGO भाग व्हायचा असेल किंवा ह्यांना मदत करायची असेल, तुम्ही त्यांच्या फेसबुक पेजला भेट देऊ शकता आणि त्याच पद्धतीने त्यांना ईमेलही करू शकता. आणि अशाच काही व्हिडिओसाठी पाहत राहा लोकमत.